हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आप लोगों ने इतनी सारी सीरीज कमेंट की हैं, उसके लिए थैंक यू। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले मैं इन सीरीज को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही कोई अच्छी सीरीज देखकर उसे कंटिन्यू करूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ी लिनुआ ने वुज़ो पर किसी पावरफुल टेक्निक से अटैक कर दिया था, जिसे देखकर माओ ज़ेन और ली वांग फेंग बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। तो वहीं उसके अटैक को देखकर क्विंजीरी समझ जाते हैं कि शायद ज़ी लिनुआ अपनी टाइगर फेस्ट 1000 ब्लो टेक्निक का यूज करने वाला है, और होता भी ऐसा ही है। ज़ी लिनुआ टाइगर फेस्ट 1000 ब्लो से ही वुज़ो पर अटैक कर देता है। ये देखकर क्विंजीरी के साथ साथ क्विंगमो और युनजी भी वुज़ो को वहां से हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो इस अटैक को डायरेक्ट अपने ऊपर लेता है तो वो शायद मारा जाएगा। जब वुज़ो वहां से जरा भी नहीं हटता है तो ये देखकर लोगों को लगने लगता है कि शायद अब वुज़ो सच में मरने वाला है, क्योंकि वो वहां से बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। और लोग कहने लगते हैं कि अगर कोई फैमिली के साथ ना होती तो ये कब का भिखारी बनकर मर चुका होता, और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी क्विन फैमिली को डिजर्व नहीं करता है, और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अभी सुनकर वुज़ो कोई मुंह से माफी मांगते हुए अपने फादर से भी माफी मांगता है, और कहता है कि आज मैं यहाँ से इसीलिए नहीं हट सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रूव करना है, मुझे सभी को प्रूव करना है कि मैं ज़ू वुज़ो क्विन फैमिली को डिजर्व करता हूँ। और इसी के साथ वो अपनी एक एनर्जी से बनी हुई सॉर्ड को क्रिएट कर लेता है, और वुज़ो अपनी एनर्जी सॉर्ड से ज़ी लिनुआन के टाइगर फिश को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ज़ी लिनुआन भी शॉक हो जाता है कि वुज़ो ने इजीली उसके इस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बट वुज़ो यही नहीं रुकता है, वो अपनी एनर्जी सॉर्ड से ज़ी लिनुआन पर भी अटैक कर देता है। ये देखकर बेचारा बहुत रोने लगता है, बट वो कुछ नहीं कर पाता है। जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, उसकी एनर्जी इतनी होती है कि लोग सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। तो वहीं ब्लास्ट को देखकर क्विंगमो रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वुज़ो मारा गया। बट जैसे ही धूल लटती है तो वहां वो वुज़ो खड़ा हुआ देखती है। ये देखकर बेचारी रोने लगती है और वुज़ो के पास जल्दी से भागते हुए जाने लगती है। बट जाते जाते वो बेचारी एकदम रुक जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि शायद वो सही नहीं कर रही है, क्योंकि उसने कभी भी वुज़ो का ख्याल नहीं किया और उसको उल्टा सीधा बोला और उसके लिए कभी भी अच्छा फील नहीं किया। अभी वो बेचारी रुकी होती है कि तभी वुज़ो उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि क्विंगमो मैं ठीक हूँ और तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये देखकर बेचारी शर्मा जाती है और उसे कहती है कि कोई बात नहीं। तभी वुज़ो अपना चेहरा पीछे करते हुए अपना पसीना पोंछता है और कहता है कि भगवान का शुक्र है जो मेरे पास रीइंकार्नेशन पावर है, जिसकी वजह से मेरे पास इनफ एनर्जी थी कि मैं अपनी पावर को यूज कर सकूं और वहां से बच जाऊं। अब वुज़ो ने ज़ी ग्वांगपिंग के साथ साथ उसके अंकल ज़ी लिनुआन को भी खत्म कर दिया था। ये देखकर लोगों को बिलीव नहीं होता है कि वाकई वुज़ो इतना ज्यादा पावरफुल है। और अब जब माओ ज़ेन और ली वांग फेंग इन दोनों को मरा हुआ देखते हैं तो बेचारे घबरा जाते हैं, और दांत पीसते हुए माओ ज़ेन क्विंजीली से कहता है कि तुम जानते थे कि वुज़ो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिर भी तुम चुप रहे, तुमने सब कुछ छुपा लिया और इस फाइट को होने दिया। और ली वांग फेंग कहता है कि ये सब तुम्हारी और वुज़ो की प्लानिंग थी, तुम लोग कितने ज्यादा क्रूअल हो। जिस पर क्विंजीली बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी तरह शौक हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वुज़ो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। जिस पर माओ ज़ेन और ली वांग फेंग कहते हैं कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हम तुम पर बिलीव कर लेंगे। तभी उनके पीछे वुज़ो आ जाता है, जो उनसे कहता है कि मैंने अभी ज़ी ग्वांगपिंग और ज़ी लिनुआन को मारा है, और तुम लोग मेरे फादर इन लॉ के साथ इतना एरोगेंट बिहेव कर रहे हो, तुम लोग भी क्या मरना चाहते हो। अभी सुनकर वो दोनों थोड़ा घबराते हुए पीछे हट जाते हैं। इसके बाद वो वुज़ो से कहते हैं कि तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो जाओ, तुम कोई फैमिली को नहीं बचा पाओगे। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि हमारी पोजेस की हुए वेपन्स मार्केट में उतर चुके हैं और जल्द ही हम सब जगह छा जाएंगे, जिसके बाद तुम्हारी क्विन फैमिली अपना सबसे बड़ा इनकम सोर्स खो देगी और फिर वो अपने भिखारी हो जाएंगे और पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। और इसी के साथ वो अजीबोगरीब पोज देने लगते हैं। अब ये पोज देखकर क्विन वुज़ो से कहती है कि आखिर ये अजीब सी ऑकवर्ड पोज क्यों दे रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि ये जोजो पोज है जो पूरी दुनिया में फेमस है। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग कुछ भी कहो, बट मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तभी माओ ज़ेन का एक ओल्ड सर्वेंट वहां भागते हुए आता है, जिसके पास वेपन मार्केट से जुड़ी हुई न्यूज होती है। अब वेपन मार्केट की न्यूज का सुनकर वो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से उसे सभी को सुनाने के लिए कहता है, जिस पर वो पहले तो थोड़ा हाँफते हुए थोड़ा सांस लेता है। जिसके बाद वो बताना शुरू करता है कि आप सही कह रहे हैं, शुरुआत में ही लोगों ने हमारे वेपन्स खरीदना स्टार्ट कर दिए और जल्दी सारे के सारे सोल्ड आउट भी हो गए, और लोगों ने क्विन फैमिली पर बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। अभी सुनकर माओ ज़ेन खुश हो जाता है और क्विंजीली की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुमने सुन लिया, तुम्हारा बिजनेस पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा है। जिसके बाद वो क्विंजीली से कहता है कि तुम अभी के भी लिनान सिटी से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बाद में जाने के लिए जगह भी नहीं दूंगा। तभी उसका सर्वेंट उससे रोकते हुए कहता है कि मास्टर पहले मुझे अपनी बात तो खत्म कर लेने दीजिए। जिस पर वो उसमें चिल्लाने लगता है और गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। इसके बाद वो उसे चुप करा देता है। जिसके बाद वो क्विंजीली से कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली पूरी तरीके से लगभग खत्म हो चुकी है, इससे पहले कि तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओ और भिखारियों की तरह भीख मांगते फिरो,
उससे पहले यहाँ से चले जाओ। उसके चुप कराने की वजह से उसका सर्वेंट उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद करो, पहले मुझे अपनी बात खत्म करने दो। जिसके बाद वो बताता है कि जब कोइन फैमिली के वेपन्स मार्केट में उतारे गए तो उनके अंदर बहुत ज्यादा सॉर्ड इंटेंट था और उनकी क्वालिटी भी हमारे वेपन्स से ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए जिन्होंने भी हमारे वेपन्स खरीदे थे उन्हें लगने लगा कि हमने उनके साथ स्कैम किया है, इसीलिए अब वो रिफंड मांग रहे हैं। रिफंड का सुनकर माउजन बेचारा बेचैन हो जाता है और उस सर्वेंट पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुमने एक और शब्द बकवास की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर वो कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस सच बोल रहा हूं। तभी माउजन उसके सर्वेंट की नजर दूसरी तरफ जाती है जहां कई सारे लोग खड़े होते हैं और ये लोग वही होते हैं जिनके साथ माउजन और ली वांगफेंग ने स्कैम किया होता है, यानी कि इन्होंने ही इनके वेपन्स को खरीदा था। और ये सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और अपना रिफंड मांग रहे होते हैं, वरना वो इन दोनों को जान से मार देंगे। अब इतने सारे लोगों को देखकर ली वांगफेंग माउजन से वहां से भागने के लिए कहता है, बट हम देखते हैं कि माउजन वहां से पहले ही भाग चुका होता है और कह रहा होता है कि मुझे याद आया कि मेरी डॉगी ने कल ही बेबी को जन्म दिया है, इसलिए मुझे जाकर टेक केयर करनी होगी, तुम्हें लोगों को संभाल लेना। जिस पर ली वांगफेंग कहता है कि तुम्हारी मुझे याद है कि तुम्हारी डॉगी ने तो पिछले हफ्ते ही बच्चे को जन्म दिया था। तभी रिफंड मांग रहे सभी लोग बेकाबू होने लगते हैं और वो ली वांगफेंग पर ही टूट पड़ते हैं, जिसके बाद हमें सिर्फ ली वांगफेंग की चीखें सुनाई देती हैं और वो लोग उसके शरीर से उसके कपड़े तक उतार लेते हैं। तो वहीं हम माउजन को देखते हैं जो अभी भाग रहा होता है और बेचारे ली वांगफेंग की दर्द भरी आवाजें भी सुन रहा होता है। तभी उसके सामने वूजो आ जाता है जो उसे पैर में पैर मारकर नीचे गिरा देता है और वो सीधे सामने बड़ी हुई पॉटी में जा गिरता है, जिस पर पास खड़ा कुत्ता कहता है कि ये तो फ्रेश फूड थी, इसको मैंने अभी तक टेस्ट भी नहीं किया था और तुमने इसे खा लिया। तभी वूजो तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि माउजन क्या तुम यहाँ से भागने का सोच रहे हो, जिसकी वजह से उन लोगों का ध्यान अब माउजन की तरफ चला जाता है। इसीलिए वो माउजन की तरफ बढ़ते हुए उसे कहते हैं कि क्या तुम हमारे रुपए को लेकर भागना चाहते थे, क्या तुम हमारे रुपए वापस नहीं करोगे। और फिर वो लोग उसे अपने साथियों के साथ उठाकर ली वांगफेंग के पास ले जाते हैं ताकि वो उन दोनों को एक साथ एंजॉय कर सकें। जिसके बाद में ली वांगफेंग के साथ साथ माउजन की भी दर्द भरी आवाजें सुनाई देती हैं और वूजो वहां से इन सब की मजे लेता हुआ निकल जाता है। नेक्स्ट सीन शी फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड का होता है जहाँ पर शी सैन ट्रेनिंग कर रहा होता है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर उसका एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और उसे एक बैड न्यूज देता है, जिस पर वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो। तो उसका सर्वेंट उसे बताता है कि वूजो की मार्शल स्पिरिट पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी है और न सिर्फ उसने जी ग्वांगपिंग को हराया बल्कि उसने जी फैमिली की जी लिन हुआन को भी मार गिराया है। अब ये सुनकर शी सैन काफी परेशान होने लगता है क्योंकि उनकी बैड के अकॉर्डिंग अब शी सैन को अपना एंसेस्टर रेजिडेंस वूजो को सौंपना होगा, बट वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी उसका सर्वेंट उससे पूछता है, माय लॉर्ड वूजो प्रीनेटल स्टेज के सभी आदमियों को आसानी से मार सकता है, हम उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, हम क्या करें। जिस पर शीशन कहता है कि सभी से जाकर कहो कि अपने सारे वैल्यूएबल आइटम्स को पैक कर ले और यहाँ से निकल जाए और तुम जाकर सभी आइटम्स को डिस्ट्रॉय कर दो जिनकी कोई जरूरत नहीं, हमें हम वूजो को अपने बाल का कतरा भी नहीं टच करने देंगे। इसके बाद वो मनी मन में वूजो से कहता है कि जू वूजो मैं यहाँ की हर एक चीज डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि तुम हमारे एंसेस्ट्रल रेजिडेंस की किसी भी चीज को हाथ न लगा सको। और जैसे ही उसका सर्वेंट वहां से जाने लगता है कि तभी उसे सामने से कोई मारता है और जब वूजो वहां देखता है तो हम देखते हैं कि वहां पर वूजो आ चुका होता है, जिसके बाद वूजो शीशन से कहता है कि शीशन तुमने जो भी कहा मैंने वो अच्छे से सुन लिया है, तुम मेरे रेजिडेंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है जो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। अब अचानक से वूजो को वहां देखकर शीशन की तो हालत पतली हो जाती है और वो पसीना पसीना होने लगता है और सोचता है कि आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। जिसके बाद वो वूजो से कहता है कि मास्टर जू वूजो ये तो बस एक गलतफहमी है, एक तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग का सुनकर वूजो कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग तेरा पिछवाड़ा, जिसके बाद वो उसके पेट में जोरदार किक मारता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।